लालू जी अनस्टेबल हो गए हैं, उन्हें उन्हें इतना बीमार से प्रभावित हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर वो स्वस्थ होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। मैं एक सीट कोई जीतने वाली थी पार्टी बिहार में तो वो कांग्रेस जीती, अन्य कोई दल में वो दम खाम कहाँ है? जो चंगुल मंगुल जैसे नेताओं की बात को हमारे पास पेश कर रहे हैं, जिनकी औकात राजनीति में शून्य के बराबर है। जब लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने वाला कांग्रेस नहीं था, वो भाजपा थी। आप हमसे बात नहीं करते हैं, आपको जो मन में आएगा, आप दोनों जगह चुनाव लड़िएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपका झुंझुना बजाएंगे क्या? कांग्रेस पार्टी आपका झुंझुना बजाने के लिए है, ठीक है। हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ में था, अब नहीं है। तेज प्रताप जी क्या है? तेज प्रताप जी को तो अपने घर में एंट्री नहीं मिल रहा है, उनके पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तेज प्रताप क्या बोलेंगे? एक दौर था जब बिहार की सत्ता पर कांग्रेस विराजमान हुआ करती थी, लेकिन बदलते समय के साथ कांग्रेस कमजोर होती चली गई और 90 के दशक में लालू यादव की एंट्री हुई और लालू यादव ने तमाम दलों को बिहार से बेदखल करने का काम कर दिया था। लेकिन हालात ये हो चुके कि लगातार लालू यादव बिहार की सत्ता में उनका राज बरकरार रहा और कांग्रेस की स्थिति दयनीय होती चली गई। कांग्रेस के हालातों की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी कहा जा सकता है और बैसाखी के सहारे राजद के पीछे पीछे अपनी नैया कहीं ना कहीं पार करते नजर आई। 2020 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और महागठबंधन के साथ कांग्रेस, राजद और तमाम दल थे। 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी और जिसमें मात्र 19 सीट पे ही कांग्रेस जीत पाई थी और बाकी उनके उम्मीदवार हार गए थे। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद अभी के वर्तमान राजनीति की बात कर ली जाए तो राजनीति में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो राजद को आंखें दिखाने का काम कर रही है। कल तक कांग्रेस राजद के सामने चूं तक नहीं बोलती थी, लेकिन जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और कन्हैया के एंट्री के बाद अब कांग्रेस फिर से मजबूत होना चाह रही है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो कांग्रेस जो पूरी तरह से, अगर इसके वर्चस्व की बात कर ली जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व जो था वो लगातार बिहार से समाप्त होते जा रहा था, लेकिन कन्हैया, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के एंट्री करने के बाद जो कांग्रेस राजद की बातें मानती थी और कुछ भी बोलने से डरती थी और राजद जिस प्रकार से कांग्रेस को नचाती थी उस तरह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं नाचना पड़ता था। लेकिन कुछ दिन पूर्व कन्हैया की एंट्री होती है और इसी सदाकत आश्रम से कन्हैया कुमार बिगुल फूकते हैं और लगातार कल तक जो राजद कांग्रेस को अपने उंगली पे नचाती थी, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार राजद पे हमलावर है। और कल पूरे मामले की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है, बिहार में लालू यादव की एंट्री होती है और उसके बाद सियासत जो है वो गर्म है और पूरा बवाल जो हुआ है कन्हैया की एंट्री के बाद, और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों सीटों की बात कर ली जाए तो कांग्रेस और राजद ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। आकलन ये किया जा रहा था कि दोनों सीटों को लेके राजद और कांग्रेस में तालमेल बैठ जाएगा, लेकिन तालमेल बैठ नहीं पाया। लगातार दोनों दलों के जो नेता हैं अपने तरफ से दम भर रहे हैं और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन हालातों की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से कन्हैया की एंट्री हुई है और उसके बाद जो कांग्रेस है वो मजबूती के साथ हर एक बातों को फ्रंट पे रखने का काम कर रहा है। हम सदाकत आश्रम में मौजूद हैं, तमाम यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। आप एक बात बताइए, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं? चुनाव तो जीतने के लिए ही लड़ा जाता है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से सिचुएशन उभर के आ रही है, जिस तरह से हमारे पक्ष में लोग आ रहे हैं, अब हमें लगता है कि हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा। एक चीज़ बताइए, आप लोग के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उसको लालू यादव ने भक्त चूनर कहा, क्या कहेंगे? हमारे प्रभारी हैं और एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं, जीवन उनका इस तरह हम बयान तो हम आ रहे हैं बयान पे, आप क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण वक्त है ये, इस स्टेटमेंट पे बहुत गंभीरता से जवाब हमको देना होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके मुख से इस तरह का शब्दों का, शब्दावली का यूज़ करना हमारे जैसे नौजवान, जो मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, सुनते हैं, वो तो किस तरह का ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आज तक हमने यही सीखा था राजनीति में कि राजनीति विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है सीटों पे, लेकिन वैचारिक मतभेद भेद हो सकता है क्या? लेकिन पर्सनल टिप्पणी, किसी भी व्यक्ति पे पर्सनल टिप्पणी करना
राजनीतिक में निंदनीय बताया गया, ये शोभनीय नहीं है, वो जिस तरह का ट्रेंड सेट कर रहे हो गलत है। और रही बात हमारे आदरणीय भक्तचरण दास जी की, तो उनकी अगर पृष्ठभूमि देखेंगे तो चुनाव जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर शुरू किया था उससे पहले वो बिहार आ चुके हैं और बिहार के एक एक जगह को वो जानते हैं। वो संघर्षशील व्यक्ति है, जमीन से जुड़े व्यक्ति है, सामाजिक जीवन है। बेइज्जत किया जा रहा है, ये शब्दों का कौन कह रहा कि नहीं दे रहा, तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनके उनके पूछो अब ये कौन, नहीं 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 कन्हैया जी को ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। कन्हैया जी जब ज्वाइन किए थे उसी समय उनसे पहले ही उन्होंने रास्ता अलग कर ली थी और कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, विड्रॉल कर लिया। ये उनके विवेक पे है। अब उनको नेता को बोल रहे हैं आप, अरे हमारे नेता को बोल रहे हैं तो हम अपने नेता को तो पक्ष कर रहे हैं, हम तो अपनी बात को रख रहे हैं, मानते हैं इसको। बिल्कुल निंदनीय है, घोर निंदनीय है। उनको उनके खुद सोच समझ में करना चाहिए कि उन्हें क्या, देखिए वो उनको क्या करना चाहिए उनके विवेक पे अब निर्भर करता है। हमें क्या करना है अब हम जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल निंदनीय है, ये गलत तरह का ट्रेंड सेट किया जा रहा है। भले ही कुछ इसे दुखद बयान सीधे तौर पे बता रहे हैं, और देखिए सदाकत आश्रम के अंदर आपको ले चलेंगे और तमाम यहाँ पे जो लीडर हैं उनसे बात कराएंगे कि जिस प्रकार से लगातार उप चुनाव, दो सीटों पे जो उप चुनाव हो रहा है, आखिर लोग क्या सोचते हैं, तमाम लोग क्या कहते हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आपको अंदर ले चलेंगे, लगातार जो दो सीटों पर चुनाव होने वाला है उसको लेकर तैयारियाँ जो है जोरों शोरों से, लगातार लोग जो हैं इसको लेकर तैयारी में जुट भी चुके हैं। तमाम यहाँ पे देखिए, तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, आप नेता हैं कांग्रेस के ही सर? जी हम लोग कांग्रेस के। क्या पद पे हैं? हम लोग तो अभी कंट्रोल रूम में हैं, चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बना था उसी के लिए है। मतलब पार्टी से जुड़े हुए? जी। एक बात बताइए, दो सीटों पे चुनाव आप लोग जीत रहे हैं? जी कंफर्म। जीत रहे हैं कि हवा दे रहे हैं? हवा नहीं दे रहे हैं, जीत रहे हैं। राजद वाले बोल रहे हैं तो हवा दे रहे हैं, कांग्रेस का शुरू से आदत है हवा देने का। वो ऐसा ही बोलेंगे, वो लोग मर्यादित बात ही नहीं कर रहे हैं चुनाव में, मर्यादा के विरुद्ध काम कर रहे हैं जो जनता नकार देगी इस चुनाव में। राजद के तमाम जो लीडर कहते हैं कि कांग्रेस का अपना तो कुछ वर्चस्व नहीं, हम लोग के पीछे पीछे रहे हैं शुरू से। अगर वर्चस्व नहीं है तो इतना डर क्यों रहे हैं? फील्ड में वो भी हैं, हम भी हैं, फरियाले चुनाव है। लालू जी आ गए हैं, जरा सोच समझ के बोलिए। लालू जी आ गए, लालू जी से कोई कुछ नहीं होने वाला है। लालू जी का जमाना गया, समय गया, अब उनको ना कोई सुनना चाह रहा है ना देखना चाह रहा है। तो आप लोग इतना साल से पीछे का है थे? पीछे वाले बोल रहे हैं कि पीछे रहते थे, भूल गए हैं क्या दिन? हम लोग कभी पीछे नहीं रहे हैं, हम लोग बस लोकतंत्र, सही लोकतंत्र स्थापना के लिए, पार्टी हित में, लोगों के हित में। एक बात बताइए, कल जिस प्रकार से बयान दिए हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं आप लोग के भक्तचरण दास जी, उनको भक्त चूनर बोला है, आप खुद समझिए उनका क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह का राजनीति कर रहे हैं। किस तरह तमाम जो लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, थोड़ा सा आप इधर हो जाइएगा थोड़ा सा। तमाम यहाँ पे तमाम जो लीडर है, सर क्या नाम है? मेरा नाम मृणाल अनामे है और मैं युवा कांग्रेस का भूतपूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का, और अभी कंट्रोल रूम चुनाव में अभी अपना ये दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए, दो सीटों में उपचुनाव होने वाला है, लगता है जीतिएगा? राजद वाले बोल रहे हैं सिर्फ हवा में बयान दे देने से कुछ नहीं होता, जमानत जब्त हो जाएगा। आप जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आप दोनों जगह का देख लीजिए क्या हम लोगों का वोट परसेंटेज था और किस प्रकार से हम लोगों ने लड़ा था। नहीं नहीं वो तो पूरी बात ना, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कुशेश्वर स्थान ना तारापुर का, जो हमारा प्रत्याशी वहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, तो सेकंड हमारा विनर थे कुशेश्वर स्थान में अशोक राम जी, 5000 वोट से केवल हारे थे, और हमारा वो राइट बनता था, राइट बनता था टिकट दिया, क्योंकि वो बेसिकली भाजपा से कोना कोना खेल रहे हैं, ठीक है ना, तेजस्वी यादव। आप लोग सटे हुए थे नहीं राजद, देखिए कोई राजनीति में एक समय होता है, एक परिस्थिति होता है जिसके तहत हम लोग गठबंधन करते हैं, एक विचारधारा होता है। नहीं मिला जिस, आपको पता चला आप नहीं टिकट नहीं, वो तो हमारा राइट था, वो हमारा राइट था, वो टिकट वो चाहते थे गठबंधन को तोड़े, ठीक है ना, उनको भाजपा के साथ जाना था तो गठबंधन जाएंगे, निश्चित जाएंगे, और जो खेल खेल रहे हैं, जो हमारा राइट बन रहा था, जो हमारा टिकट था, ठीक है ना, उनको तो पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार कर सीधे बता दिया कि मैं शिवानंद तिवारी बोले हैं कि औकात पहले देख ले, पीछे पीछे तो रहते थे। नहीं नहीं उनका अपना औकात तो पता है कि क्या है,
उनको अपना औकात पता है राजद का, राजद का समय गया, ठीक है ना। अभी अभी जो है केवल विचारधारा की राजनीति एस्टेब्लिश हो रही है कि भारत का विचारधारा किस चीज पर खड़ा है, जो हमारे पूर्वजों ने जो जिस विचारधारा को स्थापित किया था भारत के विचारधारा को, कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी भाइयों को एक साथ लेकर चलना है। कन्हैया के आने के बाद इतना आप लोग का ना, कन्हैया के आने, नहीं नहीं कन्हैया, कन्हैया सोचिए कि कितना बड़ा कांग्रेस पार्टी है, परिवार है, कि कन्हैया जैसा जो फ्रंट, जो ब्रांड था युवाओं का, वो कांग्रेस में स्थापित हो गए, तो बोले टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। अरे उसको बोल, उनको बोलने से क्या पता चलता है। आप देखिए ना बेसिकली कि न्यायालय ने उन्हें किस प्रकार से उनको सम्मानित किया, कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो न देशद्रोही है न कुछ है। आप न्यायालय की बात को ही आप झुठला रहे हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं ना होगा, फिर आप लोग राजद के पास जब चले जाइएगा। देखिए अभी एक चीज मैं बताता हूँ, ये एज डिसाइड करना हमारे हाई कमानों की बात है। सारा बात आप ही लोग बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं बीजेपी से मिले हुए हैं, फिर कह रहे हैं कि ऊपर सब डिसाइड होगा। सबसे पहली बात होती है किसी भी राजनीतिक दल में कि विचारधारा मैच कर रहा है कि नहीं। हम जिस प्रकार से राजनीति हम लोग करते हैं कि नहीं, युवाओं का जो जो अधिकार है जनता का, वो अधिकार हम लोग देने की कोशिश करते हैं। प्रभारी पे इतना बड़ा बयान दे दिए, भग चोनर बोल दिए, उनको पता, उनको पता नहीं है कि भग चरण दास कौन है, ठीक है ना। भग चरण दास वो व्यक्ति है जहाँ की अपने क्षेत्र में विधानता जैसे जो कांग्रेस की जो बेसिकली वहाँ प्रोजेक्ट था 50,000 करोड़ का, ठीक है ना, जिसके कारण से बहुत वहाँ आदिवासियों लोगों को और उनके समजातियों को बहुत दिक्कत होने वाली थी, वैसे प्रोजेक्ट को भग चरण दास जी ने बैक करवाया, ठीक है ना, और अपने जनता के लिए, अपने राज्य के लिए उन्होंने काफी योगदान दिया। लालू जी अनस्टेबल हो गए हैं, उन्हें उन्हें इतना बीमार से प्रभावित हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर वो स्वस्थ होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। देखिए तमाम जो यहाँ पे लोग हैं अपने अपनी बातों को रख रहे हैं, और सीधे तौर पे कल तक राजद जो कांग्रेस को आंखें दिखाती थी, अब सीधे तौर पे जो विरोध है कांग्रेस के, सुर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा। बैठने दीजिए जरा। स्वस्थ राजनीति में हमेशा विरोध होता है, मिलन होता है, सारी परंपरा। मिलन का बात नहीं करिए, मिलन का बात नहीं करने आए। दो सीटों में, दो सीटों पे जो उपचुनाव आप लोग जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, राजद का खाता भी नहीं खुलेगा आप लोग का। सुनिए, मेरा तो खाता खुलेगा ही, आपने पार्लियामेंट में देख लिया चुनाव में। मैं एक सीट कोई जीतने वाली थी पार्टी बिहार में तो वो कांग्रेस जीती, अन्य कोई दल में वो दम दम खामन कहाँ है, बड़ा पार्टी है। आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक ही सीट लेकर आए, जहाँ की जो परिस्थिति थी, हमने कभी भी जाति वर्ण गोत्र का राजनीति ने किया, हमने सर्वे भवन्ति सुखिना की कल्पना किया और उसको साकार किया। हमने जिस भारत को एक सुई की पैटरी नहीं थी, उसे हमने इतने बड़े जो विकसित दिखाई दे रहे हैं एटॉमिक एनर्जी में और विकास की परंपराओं में, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें, सुनिए मेरे मेरे बात को तो भी सुनिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कांग्रेस ने 60 वर्ष के काल में विकास की सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचाई, अन्य देश बहुत पीछे थे, और आप इन जो चंगुल मंगुल जैसे नेताओं की बात को हमारे पास पेश कर रहे हैं, जिनकी औकात राजनीति में शून्य के बराबर है। तो इसी कारण तो जो शिवानंद तिवारी है, उन्होंने बयान दिया सीधे तौर पे कांग्रेस का कितना, अरे ढोल में, अरे यार ढोल मूल नीति वाले शिवानंद तिवारी, आज इधर तो कल उधर, ऐसे नेताओं की बात को कहां तू धर। तो राजद वाले तो कह रहे, तो इतना साल आप लोग पीछे क्यों थे राजद के। हम पीछे नहीं थे, और जिनकी बात आप पीछे पीछे सब कर रहे हैं, अरे यार जरा सुने, जरा बात तो सुनिए, मेरे बात को सुनिए। जब भाजपा, जब लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने वाला कांग्रेस नहीं था, वो भाजपा थी, पहले टर्म में उन्हीं के साथ बना। जब मैं पीऊं तो बहुत पुण्य है, तू पिया तो पाप। तो ये सब जब ये कहां की राजनीति की बात, तो इतना साल से आप लोग साथ कह रहे थे, हम साथ थे ना, साथ हम धर्म निरपेक्षता की को सुरक्षित रखने के लिए मैं संघर्षरत था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। आप लोग के जो कांग्रेस परवारी है उनको बकचोंदर बोले हैं लालू यादव जी कल बयान, उनकी मानसिक संतुलनता भी कमजोर हो गई है। आप ही नहीं, प्रायः सब लोग जानते हैं कि काफी आरसों से बीमार हो जाने के बाद, 60 वर्षों के बाद क्यों लोगों को रिटायर कर दिया जाता है,
वो तो अभी 70 के करीब हो गए होंगे और मान ज्यादा ही होंगे, तो मानसिक संतुलन कमजोर हो गया है, इसलिए ऐसे अश्लील बातों का वो प्रयोग करते हैं। JNU के पढ़े लिखे व्यक्ति को वो कभी भगचोनहर कहते हैं तो वो उनकी मानसिक कल्पना बहुत ही छिन्न है। ये सब सारा विवाद कहाँ से आया, आप लोग को सीट नहीं दिया गया तब इस तरह की बात? ऐसी बात तो कांग्रेस में ऐसी सीट के लिए पद के लिए मार नहीं होता है, ये उन्हीं दलों में होता है। हम त्याग की भावनाओं को लेकर सदा से चले हैं और त्याग के मुहूर्त को ही अपने तक देते हैं। अरे यार, किस दल में, विश्व के किस नेताओं में वो दमखम है कि प्रधानमंत्री कुर्सी को धक्का मार के छोड़ दे, किसी अन्य को योग्य को बैठा दे? वो सिर्फ देश भर में एक ही नेता है विश्व का, वो श्रीमती सोनिया गांधी। उनकी विवेक और पटुता के कारण ही, कौन पटुता के बल पर में ही, जिन लोगों ने बाकावे में कहीं उधर से उधर चल गए, वो देश की एक महादेवी है। उनके बेटे में वो दमखम है कि देश को विकास की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सके। अच्छा, ऐसा नहीं ना होगा कि चुनाव जब नतीजे आएंगे तो फिर आप लोग राजद के साथ चले जाएगा? अरे हम लोग क्यों जाएंगे, उन्हें जब कहीं सहारा नहीं मिलता है, सुनिए, जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता है तो उन बेसहारों को हम सहारा देते हैं। धर्मनिरपेक्षता के तो आगे बढ़िए, जब आएंगे दो सीटों पर उपचुनाव के, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा आखिर कौन कितना पानी में। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे जो लगातार जो चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे रहते हैं। जीत रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे हम लोग दोनों सीट पे जीत रहे हैं, तारापुर भी जीतेंगे और कुशेश्वर स्थान भी जीतेंगे। आपके तो साथ रहने वाले लोग बोले खातों नहीं खुल पाएगा। देखिए, साथ लोग रहने वाले लोग एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, RJD हम पे आरोप लगा रही है, जदयू उन पे आरोप लगा रही है, सब आरोप प्रत्यारोप के दौर में। हम लोग आरोप नहीं लगा रहे, हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। मेरा प्रत्याशी वहां से दो दो तीन तीन बार वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछली बार चुनाव में वो 5,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, तो हार जीत तो चुनाव में लगा, बोले टिकट दे देते, जमानत जब्त कराने। लालू जी चुनाव में टिकट दे देते हैं और कहते हैं कि जमानत जब्त करवाने के लिए आप तो डिसीजन लेते हैं। एक मिनट आपको हम बता, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट आप बात को समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ होता है तो वो कुछ कुछ सीटों पे होता है। अब हमारे खाते में 2020 का चुनाव हुआ, उसमें हमारे 70 सीट गठबंधन के तहत हमको दिया गया, उसमें कुशेश्वर स्थान तो हमारे हिस्से की सीट थी। तो लालू प्रसाद यादव ने या RJD ने क्या हम लोगों से बात किया? आप हमसे बात नहीं करते हैं, आपको जो मन में आएगा, आप दोनों जगह चुनाव लड़िएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपका झुंझुना बजाएंगे क्या? कांग्रेस पार्टी आपका झुंझुना बजाने के लिए है, कांग्रेस पार्टी आपका पिछलग्गू नहीं है। आप कहते हैं नहीं पिछलग्गू, नहीं नहीं, आज आपको बता रहे हैं कि पिछले 15-20 वर्षों से जो भारत की राजनीति में एक नया आयाम आया और वो गठबंधन की राजनीति हुई। कोई भी चुनाव आप बिहार में आप देख लीजिए, भाजपा अभी जो आप लोग बोलते हैं भाजपा सबसे बड़ा दल है, फिर भी बिहार में नीतीश कुमार के पटवार के पकड़ करके क्यों चलने का काम कर रही है? नीतीश कुमार को उसके लिए नहीं जाने, एक मिनट, नीतीश कुमार अभी वर्तमान में जदयू के खाते में कितने सीट है और बीजेपी के खाते में कितने सीट है? 43 है जदयू के और भाजपा के खाते में 72-75। तो भाजपा का काहे नहीं मुख्यमंत्री बना? 41 वाला मुख्यमंत्री क्यों? कांग्रेस की बात, हाँ ठीक, एक मिनट अब कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, ठीक है, हमारा गठबंधन RJD के साथ में था, अब नहीं है। लालू जी कल बोल दिए आपके कांग्रेस प्रभारी को बगचोना। देखिए, लालू प्रसाद एक बहुत सम्मानित नेता है और इस तरह का बयान उनकी ओछी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। उनका बयान दलित विरोधी है, उससे बिहार के बोले हैं कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग को आप लोग मिला लिए। आपके कहने से या किसी अगर आप हमको बोल दें मोदी जी के, सुनिए, तेज प्रताप जी क्या है? तेज प्रताप जी को तो अपने घर में एंट्री नहीं मिल रहा है, उनके पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तेज प्रताप क्या बोलेंगे? तेज प्रताप को तो पिता से मिलने के लिए धरना पर बैठ जाना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे तमाम जो यहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि चुनाव दोनों सीटों पे जो होगा उसमें जीत मिलेगी और लगातार कांग्रेस अब फ्रंट पर आकर किसी तरह के हर एक बातों को रखने का काम कहीं ना कहीं कर रही है। और जिस प्रकार से जो कांग्रेस
पहले राजद के सामने खामोश रहा करती थी, अब चीजें बदल चुकी है और कांग्रेस के तमाम जो यहाँ पे लीडर हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब मुकाबला करा होगा और कांग्रेस जीतने जा रही है। और कल तक जो कांग्रेस और राजद साथ रहती थी, अब पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कन्हैया की एंट्री के बाद कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाती है और बिहार में जो दो सीटों पर उपचुनाव होने वाला उसमें कौन किसको परास्त करता है, कौन किसे पटकनी देता है, ये तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। बस समय का इंतजार करिए और जिस प्रकार से दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई चल रही है, अदावत चल रही है, वो कहा जा सकता है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये तमाम चीजें जल्द ही साफ हो जाएगी। रोहित नटराज, पटना।